हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा नाइन्थ की पोइम्स है, जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक्चुअली ये जो पोइम है वो चॉइस के ऊपर डिपेंड है। द रोड नॉट टेकन इज़ ए वेल नॉन पोइम अबाउट मेकिंग चॉइस इन अवर लाइफ। द चॉइस वी मेक शेप अस, जो चॉइस हम बनाते हैं वो हमें शेप करती है। इन द पोइम्स द रोड सिंबलाइज अवर लाइफ एंड द पाथ वी डोंट चूज द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता हम लेते नहीं है वो द रोड नॉट टेकन है, और ये जो रोड है वो सिंबलाइज करते हैं हमारी लाइफ को। ओके, द पॉइंट डिस्क्राइब हिज लाइफ एक्सपीरियंस एंड सेज दैट लॉन्ग अगो ही हैड टू चॉइसेस टू मेक। बताया यहाँ पर कवि ने कि काफ़ी समय पहले उसके पास में दो चॉइसेस थी। ही हैड चूजन वन एंड मूव अहेड विद इट, और उसने एक चॉइस को चूज किया और उसके साथ में क्या करता है वो आगे बढ़ जाता है। नाउ इफ ही वांट टू मेक अनदर चॉइस ही कांट डू सो, अगर वो दूसरी चॉइस फिर से करना चाहे तो ऐसा कर नहीं सकता। द मैसेज द पॉइंट वांट टू कन्वे इज दैट द चॉइस वी मेक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अवर फ्यूचर। मीन यहाँ पर कन्वे करना चाहता है जो पॉइंट है कि अगर हम कोई भी चॉइस अपनाते हैं तो वो क्या करती है, हमारे पूरे के पूरे फ्यूचर को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। इफ़ यू मेक द रोंग चॉइस देन वी कांट गो बैक एंड करेक्ट इट, और अगर हम कोई गलत चॉइस ले लेते हैं तो हम वापस जाकर उसको ठीक नहीं कर सकते। वी विल हैव नो ऑप्शंस अदर देन रिग्रेटिंग इट, और हमारे पास में पछताने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। सो वी शुड बी वाइज इनफ वाइल मेकिंग ए डिसीजन और चॉइस इन अवर लाइफ। लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, दो सड़कें क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। डाइवर्स का मतलब होता है बट जाना, दो सड़कें बट जाती हैं इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में। पीले जंगल मतलब सेप्टेम्बर अक्टूबर का टाइम रहा होगा, सब ऑटम सीजन है जहाँ पर पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ जाती है, तो उस टाइम के सीन को यहाँ पर लिया गया है। दो सड़कें, और रोड्स का मतलब यहाँ पर बताया गया है द चॉइसेस जो हमने चूज करनी है। तो दो सड़कें आपस में डिवाइड हो जाती हैं एक जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे दुख हो रहा है कि मैं दोनों को नहीं चूज कर सकता। ठीक है कि यहाँ पर जो दो चॉइसेस हैं उनमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल एक ही चॉइस को चूज करना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते, अगर हम दो होते तो शायद एक पर मैं चला जाता, दूसरे पर वो दूसरा चला जाता। पर कहता है एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहा। मीन आई हैव टेकन टाइम्स टू थिंक अबाउट माई चॉइसिस, मैंने काफ़ी समय लिया और मैं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं देखता रहा उस सड़क की तरफ, उस चॉइस की तरफ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचने लगा कि अगर मैं ये चॉइस लेता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, जितना मैं कर सकता था। ठीक उसी तरह से कहता है कि मैंने उतनी दूरी तक देखा जितनी दूरी तक मैं उस सड़क को देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, वहाँ तक, बेंट का मतलब होता है मुड़ जाना, जहाँ ये मुड़ गई, कहाँ पर, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब स्मॉल प्लांट्स, जो झाड़ियाँ होती हैं उनको अंडरग्रोथ बोलते हैं। कि ये सड़क मैं, मुझे वहाँ तक दिखाई दे रही थी जहाँ तक ये मुड़कर झाड़ियों में ओझल नहीं हो गई। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा है वो क्या कन्वे करना चाहता है, इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो पॉइंट है वो कन्वे करना चाहता है दैट इन एवरीवन्स लाइफ्स देयर कम्स ए टाइम्स व्हेन वी हैव टू मेक चॉइसेस। एक ऐसा समय होता है जब हमें चॉइस को बनाना होता है। वी हैव अल्टरनेट्स, हमारे पास में अल्टरनेटिव्स होते हैं, बट वी हैव टू चूज ओनली वंस, पर हमें क्या करना होता है, केवल एक ही अल्टरनेट को चूज करना होता है। एट दैट टाइम We see the pros and cons of the situations and take the times to decide which path to take. Similarly, the poet is also taking times before making any decisions. Let's read the second stanza. Then took the other just as fair. अब वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर खड़ा रहता है और उसको चॉइस करनी है कि उसके सामने दो अल्टरनेट है और वो कौन से अल्टरनेट में से किस अल्टरनेट को चूज करे। तो वहाँ पर वो खड़ा रहता है काफ़ी लंबे समय तक सोचने के बाद। Then he took the others. तब वो क्या कर लेता है, दूसरा रास्ता अपना लेता है। Just as fair, वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा। Fair का मतलब अच्छा होता है। वो कहता है कि मुझे जो choices अच्छी लगी मैंने उनमें से दूसरा रास्ता अपना लिया। And having perhaps the better claim. Better claim mean more appealing. और शायद, perhaps का मतलब शायद वो ज़्यादा अपील करता हुआ नजर आ रहा था। जो सेकेंड जो रोड था या सेकेंड चॉइस थी वो मुझे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। Because it was grassy and wanted wear. क्यों लग रही थी, क्योंकि ये grassy थी। grassy का मतलब था घास उगी हुई थी उस रास्ते के ऊपर। And wanted wear मतलब not much used, ज़्यादा यूज नहीं थी। तो कहता है कि मैंने वो choice ली। कहने का मतलब है कि grassy का मतलब होता है कि घास युक्त
मीन इस प्रकार की चॉइस जो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं ली है एंड वांटेड वियर और वो कम यूज थी, तो मैंने वो रास्ता लिया। कारण यही था कि मैंने दूसरा रास्ता क्यों लिया, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम्स। और शायद ये मेरा इल्यूजन ही रहा होगा, जितने भी गुजरने वाले होंगे शायद उनको ऐसा ही लगा होगा कि ये रास्ता अच्छा है, पर देखिए वो सबके लिए एक जैसा ही था। मैं जब आगे चलकर देखा तो मैंने देखा कि दोनों रास्ते एक जैसे ही थे, मीन वहाँ पर डिफ़िकल्टी दोनों रास्तों में आने वाली थी। तो जहाँ तक दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जहाँ से वो गुजरने वालों की अगर बात करें, हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, शायद उनको भी वो दोनों सड़कें उसी प्रकार से लगी होंगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसका कंक्लूजन करें, आफ्टर टेकिंग ए लॉन्ग टाइम्स द पोइट डिसाइड टू टेक द अदर रोड्स, काफ़ी लंबे समय तक खड़े होने के बाद में पोइट जो है वो डिसाइड कर लेता है दूसरा जो चॉइस है वो अपनाने के लिए। ही थॉट दैट बोथ द रोड्स वर इक्वली गुड, सोचता भी है कि दोनों सड़कें क्या थी, एक जैसी थी। ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड विच वॉज ग्रास ऑन इट एंड फील दैट इट वॉज बेटर रोड फॉर हिम, और उसने कौन से रास्ते पर चलना शुरू किया जो ज़्यादा ग्रासी थी, और उसने उसे लग रहा था, फील लग रहा था कि ये रोड उसके लिए बेटर रहेगा। द ग्रासी रोड मीन्स, यहाँ पर जो ग्रासी रोड है उसका मतलब यहाँ पर क्या है, द रोड वॉज नॉट यूज एंड वॉन्टेड वियर मीन्स दैट ओनली अ फ्यू पीपल्स हैव वॉकड थ्रो इट। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ऑन द रोड, थोड़ी सी देर चलने के बाद में सड़क के ऊपर, द पॉइंट फील्स दैट बोथ द पाथ्स वर ऑलमोस्ट द सेम्स, वो कहते हैं ना दो एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम्स, तो थोड़ी सी दूर चलने के बाद में उसे क्या फील होता है, बोथ द पाथ्स वर ऑलमोस्ट द सेम्स, देर आर हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन दैम, उनमें कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा था। मैंने बताया कि शायद वो पॉइंट का इल्यूजन रहा होगा, थ्रो द पॉइंट कन्वे दैट इन अवर लाइफ वाट एवर डिसीजन वी टेक और चॉइस वी मेक, ईच चॉइस हैज़ सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज, जो भी आप चॉइस करते हैं उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, हर एक जगह पर समस्याएँ होती हैं, सो वी मस्ट बी रेडी टू फेस दैम। लेट्स रीड द थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, और वो कहता है कि उस सुबह दैट मॉर्निंग दोनों की दोनों सड़कें, बोथ का मतलब दोनों रोड्स क्या थी, इक्वली ले ढकी हुई थी, किन से, इन लीव्स, पत्तियों से, ठीक है ना, दोनों सड़कों पर क्या थी, पत्तियाँ गिरी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और किसी कदमों ने उनको कुचल कर काला नहीं किया था। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है पैरों से क्रश कर देना, किसी चीज़ को कुचल देना और वो काली पड़ जाना, तो कहता है कि कोई कदम उनके ऊपर पड़ा नहीं था जिससे कि वो क्रश होकर काली पड़ चुकी हो, बिल्कुल फ्रेश लीव थी। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने क्या चॉइस की, मैंने कहा था कि मुझे एक चॉइस करनी थी, मेरे पास में अल्टरनेटिव थे, मुझे एक चॉइस करनी थी। वो कहता है कि मैंने आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोच लिया कि ये जो मैंने पहला जो चॉइस मैंने जो नहीं लिया वो कभी दूसरे दिन आकर मैं चूज कर लूँगा। येट नोइंग, पर मुझे ये पता था, ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार एक रास्ता दूसरे रास्ते में मिल जाता है या एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है, आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैंने जो चॉइस ली है क्या मैं इस चॉइस के ऊपर दोबारा फिर आ जाऊँगा, क्या उस पॉइंट पर फिर आ जाऊँगा जहाँ से दो रोड हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, कैसा हो पाएगा। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है कि जो बहुत जो पाथ हैं वो सीम टू बी सिमिलर दैट मॉर्निंग, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लीव्स वर सैड ऑन बोथ द रोड्स, और दोनों सड़क को क्या कर रखा है, पत्तियों ने ढक रखा है, एंड दे वर स्टील ग्रीन्स, और अभी वो क्या है, बिल्कुल हरी है, जो पत्तियाँ वो ट्रोडन ब्लैक नहीं है, बताया गया यहाँ पर कुचल कर काली नहीं पड़ी है। इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉकड ऑन द रोड्स, इसका मतलब है कि सड़कों पर कोई चला नहीं है उस टाइम पर। ही डिसाइड टू टेक द वन पाथ दैट डे, और उसने क्या किया, एक रास्ता चूज कर लिया कि मैं इसी रास्ते पर चलूंगा, एंड अदर पाथ ऑन अदर डे, और दूसरा जो कह रहा है कि मैंने सोच लिया था, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहले वाली चॉइस है मैं वो फिर कभी चूज करूंगा। हाउएवर ही नोज दैट, यद्यपि उसे पता भी है, क्या पता है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से एक रास्ता दूसरे रास्ते में से निकल जाता है। ही कुड नॉट गो बैक, वो वापस नहीं जा सकता, एंड टेक द अदर पाथ वंस ही मूव्ड अहेड विद वंस, और ना वो रास्ता उसे मिलने वाला है जो उसने पहले कभी छोड़ दिया था। सिमिलरली इन अवर लाइफ, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी, वैन वी मेक वन डिसीजन, जब हम कोई डिसीजन बनाते हैं, वी कॉन्ट गो बैक, तो हम उसको बदल नहीं सकते, वी हैव टू मूव अहेड, हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है विद द सेम चॉइस, उसी चॉइस के साथ में, एंड फेस द प्रॉब्लम्स विच कम आवर वेज, और उन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो हमारे रास्ते में आती हैं। लेट्स रीड द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम,
आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई. साई का मतलब डीप ब्रीथ, ठीक है, गहरी सांस लेकर मैं इसे बताया करूँगा. शैल बी मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है. वो कहता है कि मैं इसे बताया करूँगा विद ए साई. साई का मतलब डीप ब्रीथ, गहरी सांस के द्वारा. समवेयर एज एंड एज हैंस, कई युगों के बाद. वो कहता है कि मैं गहरी सांस लेते हुए या आह भरते हुए मैं इसे बताया करूँगा मेरे इस चॉइस मेकिंग को, कई सालों के बाद या कई युगों के बाद. टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड और इन ए वुड, कि दो सड़कें बट गई थी एक जंगल के अंदर. एंड आई आई, और यहाँ पर थोड़ा सा इम्फेसिस कर रहा है अपने आप पर. और वो कहता है कि मैंने टुक द वन, वो सड़क ली लेस ट्रेवल्ड बाई, जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग चले थे या बहुत कम लोगों ने जिस सड़क को ट्रैवल किया था, मैंने उस सड़क को लिया. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया. द पोइट सेज दैट इन द फ्यूचर, भविष्य के अंदर, ही विल टेक ए डीप ब्रीथ. वो क्या करेगा, साई का मतलब यहाँ पर डीप ब्रेथ लेगा. एंड से दैट वंस अपॉन ए टाइम ही रीच्ड ए पॉइंट इन लाइफ, कि वो एक अपने टाइम में एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचा अपनी लाइफ के अंदर वेयर ही हैड टू मेक वन चॉइस, जहाँ पर उसे एक चॉइस बनानी थी. देर वर टू ऑप्शंस फॉर हिम, उसके पास में दो ऑप्शंस थे. एंड ही हैड टू ऑप्ट फॉर वन, और उसे एक चॉइस को चूज करना था. एट दैट टाइम ही डिसाइड टू टेक दैट रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाई पीपल. इट मीन्स दैट ही टुक दैट डिसीजन विच रेयर पीपल टेक. उसने वो रास्ता लिया जो लेस ट्रेवल्ड था, या बहुत कम लोगों के द्वारा वो चॉइस अपनाई गई थी. एंड दैट डिसीजन हैज चेंज्ड हिज इंटायर लाइफ, और इसी ने क्या कर दिया, मेड ऑल द डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया, उसके पूरे जीवन को बदल दिया. द पोइट सेंट ए पावरफुल मैसेज दैट पीपल शुड डिसाइड वाइजली इन देयर लाइफ, बिकॉज द डिसीजन दे टेक विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ देयर एंटायर लाइफ. मीन अगर जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वाइजली उसे सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज आपका जो डिसीजन आपने जो चूज किया है वो आपके पूरे बाकी बचे हुए जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है. आई होप डियर स्टूडेंट यू हैव फाउंड द समरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश बिहेव द रोड नॉट टेकन पोएम यूजफुल फॉर योर स्टडीज. टेक केयर, बाय बाय.